कि क्या हुआ ये। वास्तव में सीता जी ने ये समझ लिया कि केवट प्रभु की उतराई तो लेगा नहीं, क्योंकि कह चुका है ननाथ उतराई चहो, तो प्रभु की उतराई तो नहीं लेगा, उनको तो घेलवा में उतार दिया। उन्हें कहा था कि मैं आपका चरण धोऊंगा तो आपको उतार दूंगा, पर प्रभु की उतराई भरे न ले, पर हम दोनों को तो नहीं छोड़ेगा, ये मेरी भी उतराई लेगा और लक्ष्मण जी की भी लेगा, तो क्या दिया जाए। दो जने को नाव पर से उतारा है इसने पार, इसलिए मणि और मुदरी दो वस्तु सीता जी ने उतारी। लक्ष्मण जी की उतराई के लिए चूड़ा मणि उतार लिया, और अपनी उतराई के लिए अपने हाथ की मुद्रिका उतार लिए, दो वस्तु उतारी। ये यहां नया भाव है जो अभी तक किसी वक्ता को नहीं सूझा। पिए ही की सिए जान निहारी, पिए की सिए जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित प्रभु को संकेत किया कि आप संकोच क्या करते हैं। क्या भारतीय नारी का व्यक्तित्व है, क्या भारतीय नारी का व्यक्तित्व है। ये वाइफ का व्यक्तित्व नहीं है, ये पत्नी का व्यक्तित्व है। वाइफ और पत्नी में बहुत अंतर है। अब हमारे मित्र लोग सोचे क्या अंतर है। है अंतर। अंग्रेज ही कहता है, अंग्रेजों से पूछा गया वाइफ माने क्या होता है बताइए। अंग्रेजों ने कहा कि वाइफ की स्पेलिंग से बताएंगे हम। चलिए एक एक अक्षर पर चर्चा करेंगे आज। वाइफ का पहला अक्षर श्रोताओं से जानना है मुझे। पहला अक्षर क्या है मित्रों, जोर से बोलिए, डब्ल्यू। डब्ल्यू का अर्थ वंडरफुल। इसके बाद कौन अक्षर है यार, आई, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या है भाई, एफ आर। फिर क्या है, ई, इंजॉयमेंट। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट, दिस इज वाइफ। वाइफ, वाइफ किसे कहते हैं जो इंजॉयमेंट के लिए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट होती है, आनंद के लिए, भौतिक आनंद के लिए एक उपकरण है वाइफ। और पत्नी किसे कहते हैं सुनिए, पतनात्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी तुदीर्यते, जो पति को संसार सागर में गिरने से बचा लेती है उसे पत्नी कहते हैं। जो प्रसारण सुनेगा उनको भी लगेगा करे आज क्या भयंकर हो गया, और कांदीवाली वालों ने कैसी ताली बजाई, पर बहनों ने कम ताली बजाई है इस पर। सोचो वाइफ और पति में, पत्नी में कितना अंतर है। सीता जी वाइफ नहीं है, सीता जी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय नहीं है, सीता जी मनोरंजन का उपकरण नहीं है, सीता जी पतन से बचाती है।
प्रभु का संकोच नहीं सहन कर पाई। लीजिए सरकार, मेरे पास जो था वो दीजिए, आप संकुचित मत होइए। कहे वो कृपालु ले वो उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान का उतराई ले लो। केवट ने अकुला कर चरण पकड़ा। केवट ने कहा, मैं दूसरी की वस्तु नहीं ले सकता, जिनको उतारा है मैंने उन्हीं से लूंगा, जिनको उतारा उन्हीं की वस्तु लूंगा। सीता जी ने कहे मणि, कहे मणि मणि आपकी नहीं है, आपके ससुर साहब ने, महाराजा दशरथ ने आपको दिया था। मुदरी, बोले मुदरी आपकी भौजाई सिद्धि ने दिया था, नौ मासे की मुद्रिका, सिद्ध सीता कह दीन। एक आपके पीहर से मिली है, एक आपके ससुराल से मिली है, हमने मैंने आप दोनों को उतारा है, आप दोनों के जो निजी धन है उन्हीं को लूंगा। कहा तो भैया मेरे निजी धन का आप चुरा रही भगवती जी, हमको ब्लफ दे रही हैं, लॉलीपॉप दिखा रही भगवती आप, माता जी आप हमको लॉलीपॉप दिखा रही हैं। क्यों? बोले लखन लाल जी का निजी धन है राम जी का दाहिना चरण, अब आपका निजी धन है राम जी का बाया चरण, यही दोनों मैं ले रहा हूं, केवट चरण गए अकुलाई जाइए। केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। ओहो बिलास विक्रांत परावर लयन, नमः सदा पणे कृतक्षण धनम मदीयम, तव पाद पंकजम कदान साक्षा, करवाणी चक्षुषा केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण अकुलाई, केवट चरण गए। प्रभु आज मैंने सब तो पा लिया, मिटे दोष दुख दारी दावा, अरे इन दोनों चरणों को मैंने ले लिया, मेरे दोष दुख दरिद्र दावाग्नि सब कुछ मिट गया मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपकी कृपा। ये ऐसे नहीं देखो, ये सब लोग चुप हैं, केवट का जो देना है वो आप दे नहीं रहे हैं और मुझे लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, भाई साहब गलत बात है, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भरी भूरी भली भूरी, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया, ब्रह्मा ने हमें ठीक से मजदूरी चकाचक दे दी है, पारिश्रमिक दे दिया। मैं जान गया यदि इन चरणों को लूंगा तो आगे की वनवास यात्रा नहीं हो सकेगी, मुझे पाठ मत पढ़ाइए, मैं पढ़ा लिखा हूं। राम जी ने कहा प्रसाद, कहा प्रसाद आप क्या दीजिएगा, अभी आप प्रसाद मत दीजिए प्रभु, प्रसाद तपस्वी देता है ना, अभी तो आप राजा हैं मेरे, अभी आप प्रसाद मत दीजिए, वनवास से लौटेंगे तो सही सही तपस्वी रहेंगे, फिरती बार मुंह जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, भी रहने दीजिए।
आज बिल्कुल पुराने भावों की चर्चा नहीं करूंगा, सर्वम नवीनम व्याख्या से। बहुत कीन है प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन है करुणा जतन, भगति विमल वरदी। श्री राम लक्ष्मण सीता जी ने बहुत किया। यहां गोस्वामी जी बहुत चातुर हैं, हठ नहीं करें। लक्ष्मण जी डरे कि मैं हठ करूंगा तो कहेगा अच्छा ठीक तो दे दीजिए अपना वाला, दाहिना चरण दे दीजिए आप, बायां चरण ये, और कह दीजिए राम जी हम ना जाएं, यहीं चकाचक आनंद करेंगे। बोलो इसे हठ नहीं किया, केवल अपनी इज्जत बचा ली लक्ष्मण जी ने तो, और सीता जी ने। इस प्रकार केवट केवट ने चरणामृत पी लिया, केवट ने चरणामृत पी लिया। आनंद आ रहा है अब तो, बहुत अद्भुत आनंद। अद्भुत आनंद हो रहा है, अब क्या करेंगे? अब चलिए आगे की चर्चा उत्तरार्ध जल्दी से करेंगे, समय तो हो चुका, होने दीजिए। सिद्धांत आपको मैंने सुनाए हैं, यह बिल्कुल नया नया, अधिक सुना करके कुछ न सुनाया जाए तो लाभ क्या, न नौ नगद न तेरा उधार हो। चित्रकूट में प्रभु विराजमान हो रहे हैं, पर्णकुटी बनाकर। दो भ्राताओं की चर्चा हम कर चुके हैं, किनकी किनकी? राम जी के त्याग की और लक्ष्मण जी के भाग की। भरत की चर्चा प्रायशः बहुत कल कर ली है मैंने, अब केवल कथा की मर्यादा में थोड़ी चर्चा भी करूंगा। अब की बार सुनना है आपको कि किसकी चर्चा। मैं पहले मैं कह रहा था कि राम लक्ष्मण उनके भरत जी के अनुराग की चर्चा और शत्रुघ्न जी के विराग की, पर मैं यह वाक्य बदल कर अब कह रहा हूं भरत जी के याग की चर्चा और शत्रुघ्न जी के अनुराग की चर्चा। भरत जी एक यज्ञ कर रहे हैं मित्रों। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलिखल अघ अवगुण कथन तेजल मल बक काग। रामचरितमानस के बालकांड की 41वें दोहे में गोस्वामी जी ने भरत चरित को यज्ञ कहा। देखिए यज्ञ में हवन किया जाता है और हवन में सामान्यतः दशांक होता है, आज भरत जी हवन कर रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है उनका, जपात्मक यज्ञ है। राम जी की विरह की आग है और उस आग में, राम जी की विरह की आग में 10 ममताएं ही दशांक हैं। जननी जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद स्वामी जी कहते हैं सुंदर कांड में माता पिता बंधु माने भाई अथवा बहन मंत से जाने आने का क्रम छोड़ दिए, मुझे इसके आंदोलन से आपत्ति हो जाती है।
माता पिता, बंध माने भाई अथवा बहन, सुत माने पुत्र और पुत्री, और दारा शब्द जो है पति, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, शरीर धन घर मित्र और परिवार, ये दस जो जीवन की ममताएं हैं, यही हमें इस संसार में, यही हमारे दशम दशा की कारण है, मृत्यु की यही कारण है ना। भगवान ने कहा इन दसों ममताओं की रस्सी को बटोरी में इकट्ठी करो, उसको पहले मेरे प्रेम से भिगोकर गीली करो, ऐसे बट करके सुंदर डोरी बना लो, और उसी डोरी से अपने मन को मेरे चरण में बांध दो, अर्थात सारी ममताओं का केंद्र मुझी को बना लो, क्योंकि मैं दशरथ का पुत्र हूं तो दशों ममताएं मेरे पर आनी चाहिए। जो तुम माता से ममता करते हो, जो पिता से ममता करते हो, जो भाई या बहन से ममता करते हो तुम, जो पुत्र या पुत्री के प्रति तुम्हारी ममता है, जो पति अथवा पत्नी के प्रति जो ममता है, जो शरीर धन घर मित्र और परिवार पर ममता है, सब ममता मेरे पर हो जाए। भरत जी ने सारी ममताएं राम जी में जोड़ी। माता की ममता छोड़ दी, देख लीजिए, कई कई से कह दिया, जो हसी सो हसी मुंह मसी लाई, आंख ही ओट उठ बैठ जाई, बैठे जाए चली जाओ मेरी आंख से उठ जाओ। और गोस्वामी जी कहते हैं कई 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 जब लो जियत रही, कई कई जब लो जियत रही, कई कई जब लो गीतावली जी में कहते हैं कि जब तक कैकेयी माता जी जीवित रहीं, तब तक भूल कर भी भरत जी ने मुंह भर माता जी से बात नहीं की। माता की ममता छोड़ी और जननी जनक पिता की ममता के भी आहुति दे डाली। कह रहे हैं स्वयं कि मोहिन मातु नाहीन डरे बिगरई परलोकु, अरे पिता मरे कर नाहीन शोक, मुझे पिताजी के मृत्यु का कोई शोक नहीं है, क्योंकि राम बिरह तनु त
तजी क्षण भंगु और भूप सोच कर कवन प्रसंगु। माता की ममता का हवन हो गया, पिता की ममता का हवन। जननी जनक बंधु, बंधु की ममता का हवन कर रहे हैं, बंधु की ममता का हवन। राम जी के प्रेम में शत्रुघ्न की कोई चिंता नहीं की, उन्होंने कोई चिंता नहीं की, कोई चिंता नहीं। शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सोच ही नहीं पा रहे बेचारे। लक्ष्मण के प्रति कह दिया, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण भल मन लावा। और बंधु शब्द से शांता, बहन। श्रृंगवेरपुर में भरत जी आ रहे हैं तो क्या एक भी क्षण के लिए अपनी बहन से नहीं मिल सकते थे? वहीं रहती थी वो, किंतु नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रभु के चरण की चर्चा करते रहे निषाद से। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। भाई को मां की सेवा सौंप कर चले सखा कर सो कर जोरे। पुलक शरीर सनेहन थोरे, जननी जनक बंधु सुत। पुत्र की ममता। अब भरत जी के पास तो कोई शरीर का पुत्र नहीं है ना, परंतु प्रजा ही पुत्र के समान है। प्रजा की ममता नहीं की उन्होंने, प्रजा की ममता भी नहीं। कह दिया सब कुछ छोड़कर चित्रकूट जाने की बात कह रहे हैं। बादी बादी बसन बिन भूषण भारू, बादी बिरति बिन ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भजन जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रजा पालन से क्या, मैं तो कानन कर, देख लीजिए, कानन कराऊ जन्म भरी बासु। कानन कराऊ जन्म भरी बासु, कानन कराऊ जन्म भरी बासु। कानन कराऊ जन्म भरी बासु, अधिक न मोर सुपासु। ते अधिक न मोर सुपासु, कानन करो जन्म भरी बासु, मुझे प्रजा कम प्रजा की ममता नहीं। जननी जनक बंधु सुत। और दारा, दारा माने क्या, पत्नी। पत्नी की भरत जी को बिल्कुल ममता नहीं है, सारी ममता रघुनाथ जी में चली गई। पत्नी को देखते गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस अंतापुर में उसी प्रकार रहते हैं भरत जी। तेही पुर बसत और भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। उस पुर में रहते हैं पर किसी प्रकार का राग नहीं है। कैसे, जैसे जैसे चंचरीक माने भौंरा चंपा के बगीचे में रहता है। इसका भाव क्या है,
भौरा चंपा के बगीचे में रहता है, परंतु चंपा की महक नहीं लेता, चंपा का रस नहीं लेता वो। क्यों नहीं लेता? किसी ने प्रश्न किया, चंपा तुम में तीन गुण, रूप रंग और बास। अरे अवगुण तुम में एक है, भ्रमर जात नहीं पास। चंपा इतना वायलिन इतना तेज न रखे कि मुझे दबा दे, संतुलित हो। इतना चंपा तुम में तीन गुण हैं, रूप रंग और महक, पर एक ही दुर्गुण है अवगुण तुम में एक है, भ्रमर न आवत पास। भंवरा तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? चंपा ने कहा, चंपा सीता की सखी, चंपक बरना जानकी, चंपक बरनी जानकी, और भंवर राम को दास, आपनी जननी मानी ते ही भंवर न आवत पास। चंपा चंपा के समान सीता जी हैं, और भ्रमर भंवरा राम जी का दास है, तो भंवरा ये जानता है कि चंपा जो है ये मेरी माँ है, अतः माँ का रस पीने थोड़े आएगा, इसीलिए नहीं आता। ठीक इसी प्रकार चंपक बरणी मांडवी और भरत राम के दास, तो मातृबुद्धि ते ताहि सन नित दिन रहत उदास। सीता जी और मांडवी जी का रंग चंपा के समान ही है, सीता जी का मांडवी जी का रंग चंपा के समान है। जब मांडवी को भरत जी देखते हैं तो उन्हें सीता जी का स्मरण हो जाता है, इसे उनमें सीता जी की बुद्धि हो गई है, इसलिए उनमें बिल्कुल राग नहीं है। कहीं पूर्व सत भरत बिनु राग, कहीं पूर्व सत भरत बिनु राग, चंचरी के जी में चंपक बा, चंचरी के जी में चंपक बागा। जननी जनक बंधु सुत और दारा, शरीर की पत्नी की ममता, शरीर की ममता छोड़ी, इतना शरीर को कोई कष्ट देगा? लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। दुबला हो गया है शरीर उनका, पुलक गात देह दिनई दिन, देह देह दिनै दिन दूबरी होई, घटन तेज बल मुख छवि सोई। शरीर दिन प्रतिदिन शरीर दुबला होता जा रहा है उनका, तन की ममता छोड़ी, धन की ममता छोड़ी, सारी संपत्ति छोड़ दिया, धन की ममता छोड़ दी, कुछ नहीं लिया, असन बसन बासन प्रतनेमा, करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। अयोध्या का धन छोड़ दिया, ले जाइए, मोहिराज हट दई हो, जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। भवन छोड़ दिया अयोध्या का, तन धन भवन भवन छोड़ दिया, नंदगांव करी परण कुटीरा, नंदग्राम में रह रहे, आगे चलकर नंदग्राम में रहेंगे। सुहृद मित्रों की ममता भी छोड़ दी, मिलही किरात कोल बनवासी, बैखान से बट जती उदासी,
कर प्रणाम पूछे जहि तेहि केहि मन राम लखन मैले। कोल किरातों से मित्रता कर ली, परिवार की ममता छोड़ दी, परिवार में सारा परिवार छूट गया, केवल राम कुछ नहीं। कानन करौ जनम भरी बात, यही ते अधिक नाम मोर सुपासु। कानन करौ जनम भरी बात, यही ते अधिक नाम मोर सुपासु। इस प्रकार भरत का याग, अब एक चरित्र बच रहा है, इसको जरा मुझे सुनाना है। बैठे जरा बैठे, बोल शत्रुघ्न लाल की, बिल्कुल बैठिए, देखा देखा जाएगा। चौथा चरित्र है जिसको हम कह सकते हैं या तो शत्रुघ्न जी का अनुराग, अनुपम राग। देखिए शत्रुघ्न जी प्रायशः बोलते नहीं हैं, आपने देखा होगा रामायण में बोलते नहीं। प्रश्न यह है क्यों नहीं बोलते शत्रुघ्न जी, आपको बोलना चाहिए। बोले इसलिए नहीं बोलती को निरंतर प्रभु की, देखिए लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं और शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त की सेवा करते हैं, तो बड़ी सेवा किसकी है? शत्रुघ्न जी की। क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से भी राम जी के दास बड़े होते हैं, और भरत जी भक्त शिरोमणि हैं, तो ये क्या नाम लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करते हैं, पर शत्रुघ्न जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भरत जी की सेवा करते हैं। सेवा में इतने तन्मय, अनुराग में डूबे रहते कि उनकी वाणी बोलती नहीं। क्यों वो नहीं बोलती? प्रेम में कोई बोल नहीं सकता, रामायण में वर्णन है ना, अस कही परी चरण गही रानी, अस कही परी चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। प्रेम के कीचड़ में गिरा वाणी समा जाती है, तो शत्रुघ्न जी की वाणी प्रभु के प्रेम के कीचड़ में समा गई है, इसलिए शत्रुघ्न जी नहीं बोलते। एक भाव। दूसरा भाव, जो बहुत बोलता है सेवा नहीं कर सकता। बहुत बोलने वाला व्यक्ति बिल्कुल सेवा नहीं कर सकता, इसे शत्रुघ्न जी कहते हैं कि बोलूंगा तो सेवा छूट जाएगी, इसलिए नहीं बोलते। और तीसरा और एक बहुत बढ़िया भाव, शत्रुघ्न जी कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे आप? बोले बोलने में मुझे सरस्वती की सहायता लेनी पड़ेगी और सरस्वती से मैं बहुत ही रुष्ट हूं, रूठ गया हूं। क्यों सरस्वती से रूठ गए हैं? बोले जिस सरस्वती ने कैकेयी और मंथरा की बुद्धि फेर कर उन्हें राम जी से विमुख कर दिया, ऐसी राम विरोधिनी राम विमुख करने वाली सरस्वती को मैं अपनी जीभ पर ले आऊंगा तो कहीं मैं भी राम जी से विमुख हो जाऊंगा तो सर्वनाश हो जाएगा। ये भाव हमारा नया है, तीनों भावनाएं हैं। इतना डरते हैं भरत जी तो केवल प्रयाग में नहाने से डरते हैं कि कहीं मैं राम विरोधी बन जाऊं,
शत्रुघ्न जी कहते कि मैंने यदि बोला तो मेरी जीभ पर सरस्वती आएगी, और सरस्वती यदि मेरी जीभ पर आ गई तो कहीं मैं ही राम जी से विमुख हो जाऊं तो क्या होगा। इसलिए शत्रुघ्न जी ने कहा, सरस्वती तुमको मैं जीवन भर के लिए छोड़ रहा हूं, मैं मौन रह लूंगा, पर राम विरोधिनी सरस्वती को अपनी जीभ पर नहीं लाऊंगा, जाओ। जय हो, जय हो। बोलो शत्रुघ्न लाल की जय। क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदे जाके प्रिय न राम वैदे जाके प्रिय न राम वैदे सरस्वती जी ने कहा मैंने क्या गलती की है। कहा आपने सामान्य गलती की है, कई कई राम जी को कितना प्रेम करती थी, कितना प्रेम करती थी बताइए। प्राण अत्यधिक राम प्रिमोरे, इतनी प्रेम करने वाली को भी आपने राम जी से विमुख कर दिया। जो कई कई राम जी को प्राण से प्रिय मानती थी वही कह रही प्रात होत प्रात मुनि वेश धर जौन राम बन जाही मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मनमाही। जो कई कई राम जी को इतना प्रिय मानती थी राम जी को देखना तक नहीं चाह रही है। अरे कम से कम भजन में सहायता न करो तो भजन 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 में बाधा तो न डालो भाई। आप यदि भजन में किसी की सहायता न कर सकिए तो न करिए। भजन में आप सहायता नहीं कर सकते मत करिए, पर कम से कम इतना तो कृपा कीजिए कि भजन करने वाले को भजन करने तो दीजिए। आप स्वयं स्वयं नहीं पढ़ते मत पढ़िए मरिए, पर जो पढ़ रहे हैं उनको तो विक्षेप मत करिए भाई साहब। आज के विद्यार्थी यही कहते हैं हम न पढ़ेंगे न दूसरों को पढ़ने देंगे। अरे आप न पढ़े तो जहन्नम जाइए भाई साहब, पर जो पढ़ रहे हैं उनको तो करुणा करिए, उनके प्रति विक्षेप मत डालिए। इसलिए शत्रुघ्न जी सरस्वती जी से बहुत दुखी हैं। रिपुशूदन पद कमल नमामि शूर सुशील भरत अनुगामी। सुना रहा हूं शत्रुघ्न चरित्र। मुंबई वालों यदि तुम शत्रुघ्न चरित्र सुनना चाहते हो फिर स्वतंत्र आयोजन करना पड़ेगा केवल शत्रुघ्न चरित्र सुनने के लिए। एक दिन में क्या सुनाऊं, करो आयोजन, केवल ताली बजाने से क्या होगा, करो। जो विषय कोई ना सुना सके उसी को सुनाने के लिए मुझे कहा करो। देखिए शत्रुघ्न चरित्र, भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रयाग में आ गए हैं। प्रयाग में, अरे भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने, भरत चले
राम को मनाने भैया लखन को लिवाने भरत चले चित्रिक के राम राम को मनाने भरत चले चित्रिक को राम राम को खबरी लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए सभी धसिता शीत नीर नहाने राम सब लोग नहा रहे हैं त्रिवेणी में। पर देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत करजोरे। सब लोग नहा रहे हैं, भरत जी देख रहे हैं, नहा नहीं रहे। शत्रुघ्न ने कहा भैया नहा लिया जाए। कहा नहीं मित्र, छोटे भैया मैं नहीं नहाऊंगा। क्यों नहीं नहाइएगा? कहा जिस सरस्वती ने मेरी माता की बुद्धि को राम विमुख कर दिया वही तो नदी बनी है, उसमें नहाऊंगा तो कहीं मेरी बुद्धि भी राम जी से विमुख हो जाएगी तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। तब भरत जी ने कहा भैया आप तो इनसे केवल नहाने में डर रहे हैं, मैं वचन देता हूं आपको कि जीवन भर मौन रह लूंगा पर मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जिस सरस्वती ने कई कई को राम विमुख कर दिया वही सरस्वती जब मेरी जिह्वा पर आ जाएगी तो मेरी जीभ अशुद्ध हो जाएगी, मैं जीवन भर इसका प्रयोग नहीं करूंगा, मैं मौन रहता हूं। जाइए। बोले शत्रुघ्न लाल की जय। ये है शत्रुघ्न चरित। देखते जाइए देखते जाइए। बड़ा सुंदर दृश्य है। जो भी काम होता है स्वयं अंतरंग प्रसंगों में पहले तो शत्रुघ्न के साथ चल रहे हैं भैया भरत और वशिष्ठ जी की अगुवाई करने के लिए साथ बुलाई भाई लघु दीन ही अरे विप्रन सहित गवन गुरु कीन है। देखिए लक्ष्मण जी में शत्रुघ्न जी में एक अंतर है। लक्ष्मण जी जो कुछ करते हैं राम जी के साथ रह के करते हैं, जो राम जी के साथ है तो लक्ष्मण हीरो, राम जी से अलग हुए तो लक्ष्मण जी जीरो हो जाते हैं। जब राम जी के साथ है तो कहते कौतुकी उब्र कंदुकी उब्र ब्रह्मांड उठाओ, आपकी आज्ञा हो जाए तो ब्रह्मांड को गेदे के समान उठा लूंगा, और जब अलग होने की संभावना हो तो कहा मंदर मेरु की ले ही मराला, क्या हंस सुमेर पर्वत उठा सकता है। राम जी ने कहा देखिए गंभीर रहिएगा तभी सुनाऊंगा मैं। बोल शत्रुघ्न लाल की जय। राम जी ने कहा अभी तक तो आप कह रहे थे कि गेदे के समान उठा लूंगा ब्रह्मांड को, आप कहते कैसे उठाऊं। कहा सरकार आप रहेंगे तो ब्रह्मांड को गेदे की भांति उठा लूंगा, पर आपके बिना एक तिनका भी नहीं उठा सकता, मेरा स्वभाव है। आपके साथ हूं तो मैं हीरो और आपसे जब अलग हो जाऊंगा तो मैं जीरो। पर शत्रुघ्न की बातें नहीं, शत्रुघ्न भरत जी के साथ रहकर भी सक्रिय, ऐसे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जहां शत्रुघ्न जी बिल्कुल भरत जी जो कहेंगे साथ बुलाए भाई लघु दीन्हे,
गुरु जी के साथ कर दिया तो गुरु जी के साथ रह गए, और माता के साथ जब कहा भाई ही सौंप मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। शत्रुघ्न जी को माता की सेवा सौंप दी, कर लिया। और राम जी ने माता की सेवा सौंपनी चाहे गुरु की सेवा सौंपनी चाहे, कह रहे हैं गुरु पुत मातु न जानो काहु लियो। लक्ष्मण जी सीधा उत्तर दे दिया, मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। अर्थात लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा को चैलेंज करने में चूकते नहीं है। और शत्रुघ्न जी कहते जब बोलूंगा तब न कुछ कहूंगा, जब बोलबे ही नहीं करूंगा तो जहां कहेंगे वहीं रह लेंगे, बस चुपचाप। जहां वे कहेंगे, जहां वे कहेंगे। और नीचे ऊपर करो, जहां वे कहेंगे वहीं मैं रहूंगा, जहां वे वहीं मैं रहूंगा, जहां वे कहें नवा हो प्रतिज्ञा से भैया कभी ना चलूंगा, जहां वे अरे क्या कर रहे हो मित्रेश, फिर से जहां वे कहेंगे वहीं मैं रहूंगा, जहां वे कहेंगे वहीं मैं, जहां प्रतिज्ञा से भैया कभी न टलूंगा, जहां प्रतिज्ञा से भैया कभी न टलूंगा, जहां ले कहे वहीं मैं नहीं, जहां मैं छोटा सा नाला, मैं छोटा सा नाला भरत भैया सागर, मैं छोटा सा नाला भरत भैया सागर, मैं छोटी सी बुदिया मैं छोटा सा जलकन भरत भैया जलधर, मैं छोटा जलकन भरत भैया, सदा उनकी काया की छाया रहूंगा, सदा वही शत्रुघ्न लाल की जय। जहां भरत जी कहते वही जा चले जाते हैं। एक प्रसंग तो ऐसा आया,
चित्रकूट में सब लोग पहुंच चुके हैं। भरत जी ने राम जी से मिल लिया, जय जयकार हो गई, चारों ओर से देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। बोल भरत भद्र की जय। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपान। सब लोग भूल गए हैं। उसी समय केवट ने कहा, सरकार नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सचिव पुर लोग सेवक सेनप सचिव सब आए बिकले दियो। अब ध्यान रखिए, केवट ने कहा, सरकार वशिष्ठ जी के साथ आपके सेवक गण, आपके सेनापति गण, आपके आठों मंत्री, ये सब लोग आए हुए हैं सरकार, और माताएं। इतना सुनना था कब गुरु जी के दर्शन के लिए तीनों भाइयों को जाना है। लक्ष्मण रुक सकते थे, पर राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी सीता जी को नहीं संभाल सकेंगे। आगे का परिणाम उनको ज्ञान है कि माया की सीता जी को जब नहीं संभाल सकेंगे, आगे सीता के करे रखवारी कहूंगा मैं कि सीता जी की रक्षा करो, नहीं कर पाए रणकांड में। तो जब ये माया की सीता जी की परछाई को भी जब नहीं संभाल सकते, तो मुख्य सीता जी को लक्ष्मण कैसे संभालेंगे। इसलिए शील सिंधु सुनी गुरु आगमनु, सिये समीप राखे रिपुदमनु। ये देखिए, सीता जी को संभालने के लिए शत्रुघ्न जी ही समर्थ हैं। बोल शत्रुघ्न लाल की। अब देखिए शत्रुघ्न जी का चरित्र। शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, असिय समीप राखे रिपुदमनु, चले सबेग राम तेहि काला। लक्ष्मण जी राम जी के साथ हैं, शत्रुघ्न जी को कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शत्रुघ्न जी की जब तिलक देखी आप, तो कहते भरत राम सीता चरण रेणु धारी, राम जी की चरण की धूलि को दाहिनी रेखा बनाकर ऊर्ध्व पुंड करते हैं, राम जी के चरण की धूलि को आंसू से भिगोकर दाहिनी ओर लगाते हैं, भरत जी के चरण की धूलि को बाम ओर लगा लेते हैं बायां, जैसा मैं इशारा कर रहा हूं, और सीता जी के चरण की धूल लाल है तो उसको आंसुओं से धोकर श्री बनाकर बीच में लगा लेते हैं शत्रुघ्न जी। हाय हाय, इतना ऐसा व्यक्ति सीता जी की रक्षा कर रहे हैं। यहां पूरे जन परिजन मातुजन मैसूर मंत्र गने लोग सब गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ। इसलिए इतना विचित्र इस व्यक्ति का चरित्र है। भगवान चुप, कोई प्रतिवाद नहीं। देखिए सुना रहा हूं आपको चरित्र शत्रुघ्न का। चित्रकूट में चार सभाएं हुई मित्रों। पहली सभा में एक निर्णय हुआ कि राम जी को अयोध्या कैसे लौटाया जाए। वशिष्ठ जी ने एक प्रस्ताव किया, कैसा करो, आधा छोड़ देते हो, तुम कानन गमन हो दो भाई, तुम दोनों जने वन में रहो, लक्ष्मण सीता भरत जी चले जाए अयोध्या को। प्रायशः लोगों ने स्वीकारा, यद्यपि कौशल्या जी का मंतव्य नहीं है,
दूसरी फिर सभा हुई चित्रकूट की। दूसरी सभा में भरत जी महाराज ने चार पक्ष रखे। पहला पक्ष जरा ध्यान से सुनिएगा। भरत जी का पहला पक्ष है कि सरकार मैं और शत्रुघ्न वन को चला जाता हूं, आप लक्ष्मण जी सीता जी के साथ रह लीजिए। एक दूसरा पक्ष है, अथवा दोनों भाई अयोध्या चले जाएंगे, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी, मैं आपके साथ रहूंगा। तीसरा, हम तीनों चले जाते हैं वन में, आप चले जाइए। चौथा, जिसमें आप प्रसन्न रहे वही कर लीजिए। ये चार पक्ष रखे, ध्यान रखिए। हुआ ये कि लक्ष्मण जी से कोई नहीं कह सकता कि आप राम जी को छोड़कर अयोध्या जाइए। सब डरते हैं, क्योंकि इस पक्ष पर माता जी भी सहमत हैं कि यदि भरत जी और राम जी वन में रह लेते, लक्ष्मण शत्रुघ्न अयोध्या चले जाते तो कल्याण हो जाता। 14 वर्ष के लिए चले जाए शत्रुघ्न के साथ। परंतु यह सुनते जनक जी डर गए। जनक जी ने कहा, एक बार मेरे मुख से निकला था वीर विहीन महिमा जानी, उतने में तो लक्ष्मण जी भूचाल ला दिए, डगमगाने में ही दिग्गज डोले। अब की बार यदि मैंने कह दिया कि तुम अयोध्या चले जाओ तो लक्ष्मण जी महाप्रलय इसी समय कर देंगे भैया। तात्पर्य लक्ष्मण जी को अयोध्या जाने में कोई नहीं कह पाता, पर शत्रुघ्न जी के लिए सब कहते कि शत्रुघ्न चले जाए कोई बात नहीं। शत्रुघ्न जी जानते सब लोग कि शत्रुघ्न जी कभी भी हठ नहीं करेंगे। भरत जी हठ कर सकते हैं, लक्ष्मण जी हठ कर सकते हैं, पर हमारे भैया छोटे भैया कभी हठ नहीं करेंगे। इस व्यक्ति को जब बोलना ही नहीं तो हठ क्या करे? हठ वो करे जब बोलता हो, जब बोलना ही नहीं तो हठ कैसा? जब बोलते ही नहीं तो हठ कैसे करेंगे? इसलिए बहुत प्रिय है शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी का स्वभाव कन्हैया जी के वंशी के समान है। गोपियों ने पूछा था, कन्हैया जी के वंशी से गोपियों ने पूछा, करे वंशी तुम निगोड़ी बांस की पोपली, सात स्थानों पर आग से दाग कर तुम्हें छेद आ गया, फिर भी तुम कन्हैया जी को प्रिय क्यों हो? वंशी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही जानती हूं कि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। कन्हैया जो स्वर निकालते हैं वही मैं बज जाती हूं, जहां रख देते वहीं रह लेती हूं, जब उठाते हैं तब उठती हूं, जब पूछते हैं तब पूछ जाती हूं, मैं कोई कुछ कहती ही नहीं। ठीक इसी प्रकार शत्रुघ्न जी कुछ कहते ही नहीं, तीनों भाई जो कहेंगे वही कर लूंगा, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और मित्रों, तीसरी सभा में निर्णय हो गया। भरत जी ने कह दिया कि आप प्रभु जो कहें। भगवान ने कह दिया कि तू अयोध्या जाओ। भरत जी को संदेह है कि अयोध्या में मैं कैसे जीवन निभाऊंगा। राम जी को विवश कर दिया भरत जी ने। भरत शील गुरु सचिव समाजू और सकुच स्नेह विवश रघुराजु, बंधु प्रबोध किन्ह बहु भांति, बंधु प्रबोध किन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तोषन शांति, बिनु आधार तोषन शांति। भगवान राम विवश हो गए। भरत जी राम जी को विवश कर सकते हैं, लक्ष्मण जी राम जी पर दबाव डाल सकते हैं,
पर हमारे शत्रुघ्न भैया कुछ नहीं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, प्रभु करे कृपा करुणा निधान के जन जग जामिक प्रजापा संपुट भरत सने हर तन के आखर जग जन जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम के भरत मुदित अवलंबल हेत अस सुख जस सिय राम रहे। प्रभु करी कृपा पावरी पावरी देवी भगवान ने भरत जी ने आदर पूर्वक शीर पर धारण किया। शत्रुघ्न जी चाहते थे ना कुछ कहते कि भैया थोड़ा हमको भी दीजिए, कुछ नहीं बस मुझे सेवा करनी, कोई लाभ हानि की चिंता नहीं उनको। पावरी दी, भरत जी ने लिया, चल पड़े। और आप देखेंगे शत्रुघ्न से जब राम जी मिलते बहुत प्रसन्न होते, भरत जी से मिलकर राम जी बड़े दुखी हैं, व्याकुल हैं। बारी जे लोचन मोचत बारी, देख दशा सुर सभा दिखारी। भरत जी से मिलकर के गले तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर त्याग, धीरज त्याग धैर्य छोड़ दिया राम जी ने। परंतु भेंट भरत रघुबर समझाए, आगे का वाक्य सुनिए। पुनिर पुदमन हर शिवर लाए, शत्रुघ्न जी को प्रसन्नता से हृदय से लगाया कि वाह भैया तुमने किसी प्रकार का मुझ पर दबाव नहीं डाला, किसी प्रकार से मुझे संकोच में नहीं डाला। भरत जी कहते हैं कि सेवक पर संकोचित नहीं, पर आज संकोच में डाल दिया भरत जी ने, और संकोच के कारण ही राम जी ने पादुका अवतार स्वीकारा। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, पादुका में स्वयं दाहिनी पादुका में रामा अवतार, बाई पादुका में सीता अवतार हुआ। और पादुका के रूप में भगवान राम और श्री भगवती सीता अयोध्या आए, वास्तव में आ गए। एक रूप में चित्रकूट में रह रहे हैं, एक रूप में अयोध्या में। नरावतार के रूप में, नराकार के रूप में चित्रकूट में, और पादुका कार्य के रूप में अयोध्या में भगवान आ गए आज। और वहां भी देखिए भरत जी नियम करेंगे, नियम कर रहे भरत जी, पर यहां की सेवा कौन करेगा, यहां की सेवा कौन करेगा। पुनी सीख दीन हो कल मातु सेवका
भरत जी ने छोटे भैया से कहा, छोटे भैया से कहा कि देखो मैं नंदगांव में नियम करूंगा, पर तुमको सभी माताओं की सेवा करनी है, क्योंकि राम जी कहते सेयहु मात सकल सहित समझानी। राम जी की आज्ञा का पालन भरत जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 702 माताओं की सेवा करेंगे पर कैकेयी की सेवा राम जी भरत जी नहीं कर सकते। इस धर्म संकट का समाधान कौन करेगा? राम जी की आज्ञा सभी माताओं को समान जानकर सेवा तुम्हें करनी है, और राम जी के भरत जी कैकेयी की सेवा नहीं कर पाएंगे। कैकेयी का धर्म संकट, कैकेयी की सेवा का धर्म संकट कौन समाधान करे? तब शत्रुघ्न ने कहा कोई बात नहीं, भैया के धर्म संकट का समाधान मैं करूंगा कैकेयी माता की सेवा। सौंपी सकल मात सेवा, माने शत्रुघ्न जी के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता यही है, को किसी भी कार्य में निषेध करना जानते नहीं, जब बोलते नहीं तो निषेध क्या करेंगे। मूक सेवा शत्रुघ्न जी करते हैं, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति हृदय समाति, मांगी मांगी आये सुकरत राज काज बहु भांति। पादुका जी की निरंतर सेवा भरत जी कर रहे हैं, आज्ञा मांग करके राज काज करते हैं, प्रतिदिन भरत जी के पादुका जी की सेवा में तल्लीन। केवल एक ऐसा प्रकरण है जिस दिन वो सेवा नहीं कर पाए, और आज्ञा नहीं ले पाए तो लक्ष्मण शक्ति लग गई। यदि पादुका जी से आज्ञा लिया होता तो हनुमान जी को भरत जी फिर बाण से मारकर विकल न कर पाते। अर्थात आज्ञा मांगने में एक दिन भरत जी से चूक हुई, परंतु शत्रुघ्न जी से कभी चूक होती ही नहीं, भरत जी से एक दिन चूक हुई, लक्ष्मण जी से भी एक दिन चूक हो गई, सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए, राम जी से भी एक दिन चूक हो गई, भरत जी पर संदेह कर बैठे, कारण कौन भरत आगमनु, परंतु शत्रुघ्न जी से कभी चूक होती ही नहीं। बोल शत्रुघ्न लाल की। इस प्रकार आज की कथा में चारों बातें कहीं, राम जी का त्याग सुनकर हमें भगवत कैंकर रूप मोक्ष मिलेगा, लक्ष्मण जी का भाग सुनकर हमारे जीवन में धर्म की सेवा, धर्म की वृद्धि होगी, भरत जी का याग सुनकर हमारे जीवन में भगवान के दर्शन की कामना हमारी पूर्ण होगी, और शत्रुघ्न जी का अनुराग सुनकर हमारे जीवन में हमको राम प्रेम रूप रत्न प्राप्त होगा। आज की चारों कथाओं का यही सारांश है। कल की कथा में सुंदरकांड की चर्चा, अरण्य किष्किंधा सुंदरकांड की चर्चा कल की कथा में होगी, कल आपको चकाचक सुंदरकांड की चर्चा के लिए उपस्थित रहना है। और चलिए अब भगवान नाम लेते हैं, सूचना और आरती के पश्चात ही आप जाएंगे। जय 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 सिया रामा भरत प्रिय राम, जय सिया रामा भरत प्रिय राम, जय सिया रामा भरत प्रिय राम, जय सिया रामा भरत सिया रामा, जय सिया रामा भरत प्रिय रामा, जय सिया रामा भरत सिया रामा, जय सिया रामा भरत प्रिय रामा, जय सिया रामा भरत सिया रामा, भरत प्रिय रामा लखन सिया रामा, भरत सिया रामा लखन सिया रामा, भरत प्रिय रामा लखन सिया रामा, हाँ भरत सिया रामा लखन सिया रामा, जय सिया रामा भरत प्रिय 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 रामा।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मांडवी पर भरत भद्र भगवान की जय। उर्मिला पर लक्ष्मण लाल की जय। श्रुत कीर्ति पर शत्रुघ्न लाल की जय। चारों भैयन की जय। तीनों मैयन की जय। महाराज दशरथ की जय। भरत चरित्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता राम।